नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पर। चैत्र नवरात्रे अब समापन की दिशा में है, तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपको सर, हैप्पी नवरात्रे। आपको भी धन्यवाद सर। जितने भी पर्व होते हैं उसके अपने अपने सामाजिक महत्व होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नवरात्रे का त्यौहार है उसका भी एक सामाजिक महत्व है और सांस्कृतिक रूप से भी एक महत्व है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, इस सांस्कृतिक त्यौहार है इससे क्या सीख ले और किस तरह से सीख ले। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि किस तरह से हम नवरात्रों से सामाजिक सीख ले सकते हैं और संदेश ले सकते हैं। समाज का मतलब होता है कि समाज में हर तरह का वर्ग आ जाता है, वो सांस्कृतिक भी आ जाता है, धार्मिक भी आ जाता है, वैज्ञानिक भी आ जाता है, राजनीतिक भी और आर्थिक भी आ जाता है। तो कोई भी त्यौहार है हमारे देश में मनाए जाते हैं, उनका आर्थिक महत्व भी होता है और सामाजिक महत्व भी होता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो नवरात्रे हमारे लिए अनेक संदेश लाते हैं, जीवन जीने के अनेक संदेश लाते हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रे सबसे पहला संदेश लाते हैं, बाहर की दुनिया में बेशक हमारा व्यवहार हो, व्यापार हो, हम धनोपार्जन करें, हम संसार में रहें, हम जंगल में ना जाएं, लेकिन साथ ही साथ हम ध्यान रखें कि हमारे भीतर भी एक दुनिया है और हमारे भीतर संसार है। नवरात्र ये सीख लाते हैं कि हमें सिर्फ बाहर की ओर ही नहीं बल्कि हमें भीतर की ओर भी अपनी ऊर्जा का रुख करना चाहिए। यानी जो हमें दिखता है, जो हमारा भौतिक क्रियाकलाप है, केवल वही सत्य नहीं है। वास्तव में यह जीवन सिर्फ वस्तुगति नहीं बल्कि ये चेतनागत भी है, चेतना प्रधान यह जीवन है। अर्थात जो सत्य हमें दिखाई देता वही सत्य नहीं है बल्कि जो नहीं दिखाई देता वह भी सत्य है। तो मैं आपसे अंत में यह पूछना चाहूँगी कि जो हमारी धरती है, हमारा इंडिया है, इंडिया कल्चर इज़ नॉन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जो यह त्यौहार है स्पेशली नवरात्रि, यह किस तरह से हमें विविधता में एकता को देखने की समझ देता है। देखिए, जो हमारी संस्कृति है वह जरूरी नहीं कि इसकी वकालत करे कि यह सृष्टि गॉड क्रिएशन है, और यह जरूरी नहीं कि इसकी वकालत करे कि यह सृष्टि सेल्फ इवॉल्व्ड है। यानी सृष्टि सृजन को लेकर जो मतभेद दुनिया में है, हिंदुस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा, एक मत है कि यह सृष्टि क्रिएट की गई है, यानी इसकी क्रिएशन हुई है, और दूसरा मत है कि इस सृष्टि की क्रिएशन नहीं की गई बल्कि एवोल्यूशन हुई है। तो यह दोनों मत जो है इसका संतुलन बना रहता है। मेरे लिए क्या है, सबके लिए क्या मायने हैं, वो इस संस्कृति में वो अध्याय छुपा है जो आपने कहा कि एकता की बात है। यह संस्कृति कहती है, मेरे विचार से जहाँ तक मैंने इस संस्कृति को आत्मसात किया है, पढ़ा है, जाना है, सदियों से सांस्कृतिक पुरुषों के विचारों को सुना है, पढ़ा है, समझा है, मैं एक नतीजे पर निकला हूँ कि जो मुझे अनुभूत होता है, जो मुझे अनुभव होते हैं, वो एक अलग बात है, उसकी कभी और हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक जो सृष्टि का सृजन है, चाहे वो एवोल्यूशन हुई है, चाहे वो क्रिएशन हुई है बाय गॉड या अपने आप एवोल्यूशन हुई है, एक चीज़ जो हमारी संस्कृति जिस बात की ओर इशारा करती है कि सृजन तो शक्ति से ही हुआ है। यानी हम जगत जननी जगदम्बा माँ को, देवी को जो है इस जगत की सर्जक मानते हैं, यानी शक्ति की वजह से ही हमारे सामने सृष्टि आई है। और इतना ही नहीं, सिर्फ शक्ति की वजह से ही नहीं आई है बल्कि इसके संचालन के लिए भी हम दैविक शक्तियों को ही जिम्मेदार मानते हैं और दैविक शक्तियों को ही पूजते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई चीज़ सृजन करनी होती है तो शक्ति चाहिए होती है, जो कि हम दुर्गा माँ के रूप में पूजते हैं। अब कहते हैं कि किसी चीज़ का जब सृष्टि का जब संचालन करना होता है तो उसके लिए अर्थ ज़रूरी है, धन ज़रूरी है, और हम लक्ष्मी माँ को देवी के रूप में पूजते हैं। और जब उस संचालन को सुचारू रूप से आगे ले जाना हो, सही तरीके से आगे ले जाना हो, तो हमें ज्ञान चाहिए, अक्ल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, तो बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती होती है।
कहने का मतलब है हमारी संस्कृति इस बात की ओर इशारा करती है कि आप चाहे इस सृष्टि को क्रिएशन के नज़रों से देखो, चाहे इसको एवोल्यूशन की नज़रों से देखो, जो देखना आप देखो, लेकिन आप एकता से दूर मत जाओ। और वो एकता है शक्ति, यानी शक्ति की वजह से ही सृष्टि का सृजन भी हुआ है, और शक्ति यानी जो अर्थ शक्ति है उसकी वजह से इसका संचालन हो रहा है, और साथ ही साथ जो ज्ञान शक्ति है उसकी वजह से इसका अच्छी तरह से संचालन हो रहा है। जिस दिन इस दुनिया में धन का दुरुपयोग होगा और ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, सृष्टि का भी नाश हो जाएगा। यानी अगर सृष्टि संचालन हो रहा है तो धन की वजह से हो रहा है, जिसको कि हम प्रतीक में क्या मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, और या फिर ज्ञान बुद्धि की वजह से हो रहा है, जिसको कि हम सरस्वती मानते हैं। तो कहने का मतलब है, जो आपने पूछा है, बिल्कुल है कि हमारी संस्कृति एकता की ओर इशारा करती है। यानी जितने भी हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ है या ईस्टर्न फिलॉसफी है, हमारी जो भारतीय दर्शन शास्त्र है या जो ज्ञान कहता है, वो यही कहता है कि यह जीवन चेतना प्रधान है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है या ये कह लीजिए जो मत है, अधिकतर वो ये सोचता है कि यह मटेरियल बेस्ड है। वहाँ भी तो मटेरियलिज्म, वहाँ भी तो मटेरियल मानते, तो मोनोथिस्टी है ना एक तरह से, कि आप चीज़ों को तोड़ते रहो, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते रहेंगे। इतनी भी हमारे मैटर है, मटेरियल है, उसको भी है तो एक ही है ना, कहीं ना कहीं उसका आधार तो एक ही चीज़ है। वैसे ही अगर हम ईस्टर्न में ऊर्जा मानते हैं, जो हमारी ये नवरात्र हैं, ऊर्जा का ये त्यौहार है, शक्ति का त्यौहार है, तो उसको भी क्या मानते हैं, हम एक ही मानते हैं। तो एकत्व की ओर जाते हैं, चाहे वो आप स्पिरिचुअल के रास्ते से जाना है या मटेरियल के रास्ते से जाना है, जाते तो हम एकत्व की ओर ही जाते हैं। और ये मानवीय मूल्य भी हैं और ये सृष्टि के संचालन के मूल्य भी हैं। तो इसीलिए नवरात्रों का त्यौहार ना केवल विविधता को आगे ले जाता है, बल्कि विविधता में एकता हो, इसका भी जरूर संदेश देता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नवरात्रों के त्यौहारों के बारे में बताया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गॉट अ क्लियर विजन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नवरात्रे। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे कि जो इंडिया है, इंडिया को विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में आप जैसे गुरु की परंपरा है वह सदियों से चली आ रही है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हमारा इंडिया है उसको विश्व गुरु कहा जाता है, और विश्व गुरु में आप जैसे गुरु बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर है, तो मैं यह जानना चाहूँगी कि आप बच्चों के लिए या पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, सभी तरह के मानव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा संदेश यही रहेगा, जिस तरह से हम एक शिक्षा प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं, वो शिक्षा प्रणाली हम चाहते हैं कि वैश्विक हो। यानी मूल्य और स्किल्स, स्किल्स किसी देश के नहीं हो सकते और मूल्य भी किसी देश विशेष के नहीं हो सकते हैं। हम जिस पे कार्य कर रहे हैं, हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य ही नहीं बल्कि वैश्विक मूल्य बनाना चाहते हैं, जिससे मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज जैसी विकराल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो मैं आप सभी को नवरात्रों के शुभ अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा, बेशक आप नवरात्रों ना मनाएं, लेकिन इतना इससे सीख जरूर लें कि अपने भीतर की ओर रुख करें। जो संसार हमें दिखाई देता है केवल वही सत्य नहीं है, जिसके पीछे चेतना है, विचार है, वहाँ भी सच्चाई छुपी है। जब आप इन चीज़ों को, इस चीज़ को, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका सामना, आप किन से मिलेंगे, आप मूल्यों से मिलेंगे, मानवीय मूल्यों से मिलेंगे, भाईचारे के मूल्यों से मिलेंगे, आप प्रेम के मूल्यों से मिलेंगे, आप स्वच्छता के मूल्यों से मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हमने यह जाना, हमने यह समझा कि शक्ति किस तरह से ज़रूरी है। शक्ति में बात की गई कि जब सरस्वती जो माता है उन्हें नॉलेज से जोड़ा गया है, जब नॉलेज धन के ऊपर संयम बांधती है तभी शक्ति का विस्तार हो सकता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें कि नवरात्रि के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, परंतु सभी अर्थों का एक ही अर्थ है कि आप अपने जीवन को सत्य की ओर लेकर जाए और शक्ति को पहचाने, सत्य की तरफ ले जाए, शक्ति को पहचाने और सफाई से अपना नाता जोड़े। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और हमें सुझाव दीजिए कि हम किस टॉपिक पर वार्तालाप करें। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।